बेटा आदमी जब बीमार पड़ता है उसके बाद स्वस्थ होता है, तो स्वस्थ होने की इंग्लिश होती है गेट वेल। पिकनिक पे जाना हो तो गो ऑन पिकनिक। एक सेंटेंस लिखो बेटा, अगर मैं स्वस्थ हो गया तो मैं कल पिकनिक पर चलूंगा। कल मतलब टुमारो, आने वाला कल है टुमारो। अगर मैं स्वस्थ हो गया, मेरी तबीयत ठीक हो गई, तो मैं कल पिकनिक पे चलूंगा। मान लो उस कॉलेज से पिकनिक जा रहा है, दोस्त कह रहे तू चल रहा है? बोला मेरी तो तबीयत खराब है, चलना यार। अच्छा चल ठीक है, तबीयत ठीक होगी तो चलूंगा। तो उसने पक्का कह देना जाएगा क्या? उसने पक्का कहा अपने दोस्त को? नहीं, उसने क्या रखी है? शर्त रखी है, अगर तबीयत ठीक हुई तो जाऊंगा। तबीयत अभी ठीक होगी ना बेटा, हुई कहां है? और जाने वाला काम भी अभी होगा, तो ये घटना फ्यूचर की है। इस सेंटेंस को लिखिए बेटा, सारे बच्चे इफ लगा के लिख सकते हो। सब बच्चे बेटा लिखिए, क्या लिखना है? अगर मेरी तबीयत ठीक हो गई, ऑनलाइन वाले बच्चों आप भी बेटा, अगर मेरी तबीयत ठीक हो गई तो मैं पिकनिक पे जाऊंगा। शाबाश बेटे, शाबाश। फील बेटर भी ठीक है, अच्छा फील हुआ तो मुझे, है ना? नहीं तो गेट वेल तो ठीक था ही। अब चेक करिए सर संदेश को बच्चों, इस संदेश कैसे लिखा जाना चाहिए? तो देखिए, पिकनिक पे तो मैं चला जाऊंगा, पर कब? अगर तबीयत ठीक हुई तो। उसका मतलब मेरी शर्त क्या है? तबीयत ठीक होना। तो कंडीशन रखने का वर्ड इफ, अपने लिए सोच रहा हूं आए, अभी काम होगा विल या शैल, गेट वेल। एक दो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे लिखा है इफ आई विल गेट वेल, दो एक बच्चे ही ऐसे इफ आई विल गेट वेल, इफ आई शैल गेट वेल। विल और शैल में से कोई एक वर्ड लगा के लिखा है, और जिन्होंने भी ये लिखा वो गलत लिखा बेटा। अभी हमने डिस्कस किया था, अगर हम कुछ भी सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, तो इसका मतलब हमें भी नहीं पता कि ऐसा होगा या नहीं होगा। एक तरफ तो आप सोच रहे हो, एक तरफ विल शैल लिख के पक्का पक्का कह रहे हो मैं ठीक हो जाऊंगा, तो ये गलत हो गया बेटा। तो जहां हम इमेजिन करने चलते हैं ना बेटा, कंडीशन रखने चलते हैं, तो उस सेंटेंस में विल और शैल नहीं लगाते बेटा। तो सही सेंटेंस कैसे बनेगा? इफ आई गेट वेल। एक गलती एक बच्चे ने और कर रखी है बेटा, उस बच्चे ने क्या कर रखा है? अगले सेंटेंस से पहले देन लिख रखा है, कभी भी नहीं बेटा। अगर आपने एक बार इमेजिन करा तो अगला सेंटेंस बेटा देन से नहीं, अगला सेंटेंस कॉमा से जुड़ता है। ये पेपर में बहुत गलती आती है, पेपर में ऐसे लिखा जाए बेटा If I will get well, या if I shall get well, ये छोड़ देगा, चलो ठीक करता हूं। If I get well, then I will, वो ऐसे लिख के देगा बेटा। तो आपको ध्यान रखना बेटा, कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, आपस में जोड़ने के लिए, कंडीशनल सेंटेंस में आपस में जोड़ने के लिए कॉमा लगता है बेटा, देन नहीं लगता। ये पेपर में बहुत डेप्थ से क्वेश्चन आता है, और इसमें बच्चा फंसता ही फंसता है, उसको गलत लगता नहीं। कोमा लगाना बेटा, देन नहीं लगाना। तो इफ आई गेट वेल, ये राइटिंग स्किल्स में भी आ गया आप लोगों का। इफ आई गेट वेल आई विल गो ऑन पिकनिक, तो मैं पिकनिक पर जाऊंगा। अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक हुआ तो मैं पिकनिक पर जाऊंगा। इफ आई गेट वेल, क्या नहीं लगेंगे बेटा? इफ आई विल या इफ आई शैल, और क्या नहीं लगेगा बेटा? देन, जस्ट क्या लगेगा? कोमा। अच्छे से समझ में आया राजा बेटा? ऐसा लगा नहीं, यस नो? एक सेंटेंस और दो बेटा, बनाइए, सब बच्चे बनाना। मिलना होता गेट अ गुड जॉब, बदलना होता चेंज माय बाइक। एक व्यक्ति है बेटा जिसके पास बाइक है पुरानी, और बार बार उसको दिक्कत देती है, मतलब आने जाने में अच्छी भी नहीं चलती, खराब भी होती है बहुत, पर करे क्या, जॉब नहीं है। अब वो इंटरव्यू देने जा रहा है एक दो जगह, तो उसने क्या कहा कि अगर मेरी अच्छी जॉब लग गई तो मैं बाइक बदल लूंगा।
अगर मेरी जॉब अच्छी लग गई ना तो बाइक बदल लूंगा, अगर मेरी अच्छी जॉब लगी तो मैं बाइक बदल लूंगा। बिल्कुल, वेरी गुड साहित, ठीक सेंटेंस बनाया आपने। सब बच्चे लिखे बेटा, अगर मेरी अच्छी जॉब लग गई तो मैं बाइक बदलूंगा। वेरी गुड अंजलि, शाबाश। ऑफलाइन वाले बच्चों बेटा प्लीज लिखो अच्छे से, अगर मेरी अच्छी जॉब लग गई तो मैं बाइक बदल दूंगा। चेक करिए बेटा, अब सही सेंटेंस कैसे लिखा जाएगा देखिए। इमेजिन करने वाला वर्ड है इफ, आगे देखिए बेटा आई, क्या बेटा मैं विल शैल में से कुछ रखूं, ये गलत हो जाएगा ना सर। इफ आई गेट अ गुड जॉब तो मैं क्या करूंगा, आई विल चेंज माई बाइक। सर अब मैं इस सेंटेंस को दोबारा से आपको कहूंगा, पर देखिए सेम सेंटेंस लिखना है आपको ना, इस सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करना है, ये आपको ना इस सेंटेंस को दोनों सेंटेंस में यहां पे आई की जगह यहां पे ही और यहां पे भी आई की जगह ही करके दोबारा से लिखना है। ये सेंटेंस रीराइट करो बेटा, आई की जगह ही लिखना है बस आपको। आप इस सेंटेंस को फिर से लिखिए, आई हटाओ और आई की जगह ही लगाओ। रीराइट करना बेटा, आई की जगह ही लगाना है। शाबाश शाबाश करो बेटा, गलत होगा होने दो। एक गलती है बेटे, समझ में आ रहा है, समझ में आए टॉपिक, इसको एक गलती रहेगी बेटा, देख कौन सी रहेगी। एक गलत है, एक गलती है, और पहले सेंटेंस में यहां कॉमा भी लगाओ आप, एक ऐसी गलती कर रहे हो जो आपको करनी नहीं चाहिए, पता नहीं। शाबाश, वेरी गुड, लगा सकते हो, कोई गलत नहीं बेटा, हिस आएगा बेटा। अच्छा एक मैंने एक चीज देखी बच्चों, मैंने 50 बच्चों का सेंटेंस चेक करा होगा और सबके सेंटेंस में एक गलती ऐसी कैसी है, मैं दिखाता हूं क्या। जब मैंने कहा इस सेंटेंस को दोबारा से लिखो ही से, तो बच्चे देखो कैसे लिख रहे हैं, इफ ही गेट अ गुड जॉब। अच्छा देखो मुझे बताना, आई एम, यू आर, ही इज, तो ये एम का आर, आर का इज बदलता नहीं, आई है तो एम लगेगा, यू है तो आर लग गया, ही है तो इज लगेगा। एक बात आप लोगों को पता होनी चाहिए बेटा, क्या पता होनी चाहिए कि ये जो हम है ना पहली फॉर्म लिखते हैं, जैसे पहली फॉर्म में गेट, इसमें हम एस पी लगाते हैं बेटा, गेट्स, ये जो पहली फॉर्म गेट होती है ना इसमें एस पी लगता है, और जब एस लगता है तो गेट्स हो गया, एस आई एस। और कब लगता है, जब हम बात किसी ही, किसी शी, किसी इट को लेके करते हैं, तो बात जब किसी ही शी इट की करेंगे तो फिर वहां पर बेटा जी वर्ब में एस लग जाता है। तो हमने जब ये सेंटेंस लिखा ना बेटा ये वाला, इफ ही गेट अ गुड जॉब ही विल, एक दो बच्चे ने गलती से यहां पे लिखा ही विल चेंज माय बाइक, बेटे वो मेरी बाइक क्यों बदलेगा, वो अपनी बदलेगा ना बेटा, और ही की कोई चीज है तो हिज आ जाएगा। वो जल्दी में ध्यान नहीं रखो, उन्होंने माई का माई लिख दिया। एक बात समझने की बेटा, इसमें ये गलती आप लोग कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे आप गेट लिख रहे हो, तो याद क्या रखना बेटा, ही शीट है तो क्या लगेगा, गेट्स।